सर, आप बार बार जो है डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, उस संदर्भ में आपको क्या लगता है जो केंद्र सरकार का रुख रहा है अब तक राज्यों के प्रति, उसे आप कैसे देखते हैं? और जो प्रधानमंत्री की ये कोट अनकोट स्ट्रांग लीडर की जो छवि है, उसका संकट के इस समय कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ है आपके नजरिए में? थैंक यू सर। देखिए फ्रेंकली, अगर आप मुझे पूछें, देखिए प्राइम मिनिस्टर की स्टाइल है और वो उसकी जगह है, वो उनके उनका तरीका, मगर ऐसी घटना में मुझे एक स्ट्रॉन्ग लीडर के बजाय बहुत सारे स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर, एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग डीएम्स, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कलेक्टर्स चाहिए। मुझे चाहिए कि हम बीमारी को लोकल लेवल पे ही निपटा दें, हर हर लेवल पे बीमारी के सामने एक स्ट्रॉन्ग हिंदुस्तानी लीडर खड़ा हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो किसान हो। मगर मैं उनकी स्टाइल है वो अलग है, वो ठीक है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, ये जो जोन्स बने हैं रेड ऑरेंज ग्रीन, ये नेशनल लेवल से बने हैं, ये जोन्स स्टेट लेवल पे बनने चाहिए। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हमें कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो इंफॉर्मेशन स्टेट लेवल लीडर्स के पास है, तो जरूरी है कि जो हमारे जोन्स बन रहे हैं, छोटा सा उदाहरण दिया है, जो हमारे जोन्स बन रहे हैं वो एक्चुअली डीएम और चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे बनने चाहिए। डीएम के पास इंफॉर्मेशन है, चीफ मिनिस्टर के पास इंफॉर्मेशन है, दिल्ली में ये इंफॉर्मेशन नहीं है। छोटा सा उदाहरण दिया। थैंक यू सर। सर, मे आई रिक्वेस्ट नाउ राजस्थान पत्रिका, दे हैव ए क्वेश्चन ऑन आई थिंक फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर। शादाब जी, कृपया अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। कहाँ है? नमस्कार, पूछिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर 8 करोड़ किसानों के खाते में पैसा डालने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 मार्च को घोषणा की थी, इसके बावजूद एटीआई किसानों के खातों में चौथी किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है? अब इसके बारे इसका मैं कैसे जवाब दूंगा, ये तो आपको सरकार से पूछना पड़ेगा। मगर मेरा कहना है कि जो मैंने राजदीप से कहा कि एकदम डायरेक्ट न्याय का जो आइडिया है उसको आप चालू कीजिए, बिना बिना एक सेकंड जाया करें, करिए करे उसको कर दीजिए। क्यों नहीं किया है? स्पेकुलेशन हो सकता है। मैंने थोड़ा आपको अभी बताया कि सरकार को डर है कि डाउनग्रेडिंग हो जाएगी, उससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता हूं। थैंक यू सर। मे आई रिक्वेस्ट आशीष फ्रॉम एबीपी टू आस्क हिज क्वेश्चन। आशीष, एबीपी। कैन यू हियर मी रणदीप जी? यस प्लीज गो अहेड। थैंक यू रणदीप जी। नमस्कार आशीष जी, सर, हियर दिस साइड इफ यू कैन सी मी, आई एम रेजिंग माय हैंड। यू डोंट नो व्हिच साइड यू आर ऑन माय स्क्रीन। यस ऑफ कोर्स, दैट आई जस्ट, इफ यू कैन फिगर मी आउट, आई हैव माय हैंड्स रेज्ड। ओके, गॉट यू। हाउ आर यू सर? I'm well. सर, मेरा सवाल है कि आपने जैसे कहा एकदम शुरुआत में कि आपने भी, आपके यहाँ इंटरनल डिस्कशंस चल रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ सर, जो डीप फाइनेंशियल क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं अभी, उसको लेकर के आपने अपने जो कांग्रेस रूल स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको क्या सुझाव दिया है ताकि इससे हम बाहर निकल सके, क्योंकि सीमिंगली हम देख रहे हैं बीजेपी रूल स्टेट के चीफ मिनिस्टर से बहुत ज्यादा इसको लेकर के कुछ सुना नहीं है। तो इस डिस्ट्रेस से डील करने के लिए कांग्रेस रूल स्टेट्स को आपने क्या सजेशन दिया? बिकॉज यू हैव बीन टॉकिंग टू सो मेनी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स। सर, एक जस्ट जस्ट ऐड, लेट मी ऐड वन मोर थिंग। आपने अभी कुछ दिनों पहले एक इशू और रेस किया था आरोग्य सेतु को लेकर के, एक रैंडम ट्विटर यूजर ने इस पर कुछ सवाल उठाए थे जिसपे आरोग्य सेतु की तरफ से रिप्लाई भी, रिस्पॉन्स भी दिया गया था। उन्होंने उन ऑब्जेक्शन को कहा कि ये चीजें वैलिड नहीं है। आपको क्या लगता है सर इसके बाद की, क्या डू यू स्टिल स्टैंड बाई योर स्टैंड ऑन आरोग्य सेतु कि वो पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं है? अगर इन दोनों सवाल का आप प्लीज काइंडली जवाब दें। तो जो आरोग्य सेतु का वो ऐप है उसको हैकर्स ने तो उसको क्रैक भी कर दिया है, वो तो पब्लिक नॉलेज है। मगर मेरा मेन उसमें मेरी मेन इशू उसमें ये है कि आप उसको ओपन सोर्स करिए,
उसका जो इंटरनल प्रोग्राम है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो पूरा सबको खोल के दिखा दीजिए। सिंगापुर का जो ऐप है वो ओपन सोर्स है, उसको कोई भी खोल के देख सकता है। तो मेरा कहना है कि आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, कंफर्ट दीजिए लोगों को, और फिर आप ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और कंफर्ट देंगे तो फिर आप ऐप चलाना चाहते हैं चला सकते हैं। सर, जो स्टेट चीफ मिनिस्टर्स को स्टेट चीफ मिनिस्टर, देखिए मेरा रोल उनको एडवाइस करने का नहीं है। मेरा रोल, जो हमारे तीन चीफ मिनिस्टर्स हैं, मनमोहन सिंह जी कांग्रेस प्रेसिडेंट, हम सब कुछ ही दिन पहले हमने एक डिस्कशन किया, और उस डिस्कशन में जनरली जो हमारे पंजाब, राजस्थान, पौंडीचेरी में, जो छत्तीसगढ़ में जो सिचुएशन है, उसके बारे में उन्होंने हमें ब्रीफ किया। उनका कहना था कि लड़ने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है, और उनका कहना था कि जो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो उनको पैसा मिलना चाहिए वो उनको मिल नहीं रहा है, तो उनको बोरो करने की जरूरत, बोरो करना पड़ रहा है, उससे उनको काफी काफी मुश्किल हो रही है। ये बेसिक उनका उनकी पोजीशन थी। और फिर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इश्यूज थे। पंजाब में इशू था कि जो मैंने सप्लाई चेन की बात की, कि अगर आपने मेन सप्लाई चेन की जगह रेड कर दिया तो फिर मतलब वहां पे इकॉनमी शुरू ही नहीं हो सकती।